मॉर्निंग एवरीवन, सुबह सुबह एकदम सूरज की लाली के साथ मैं आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। ये देखिए सूरज देवता, और एकदम थोड़ा सा क्या हो गया है, कोहरा जो पड़ता है वही है। मैं कैमरे से भी दिखाती हूँ आप लोगों को, लेकिन हम थोड़ा सा सोच रहे थे दिखा दें। हमारे यहाँ आलू जो है इतने ऊपर आ चुकी है, एक बार मेड़ी भी चढ़ चुकी है, और इधर हमारे चाचा की और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है आलू। आप लोग देख सकते हैं बगल में, जब खेत एक ही में है ना तो जब बढ़ते हैं तो अलग अलग पार्ट में बोया जाता है। ये हमारे काका की है जो कि थोड़ा सा बड़ी हो चुकी है, उधर हमारी है। अभी एक बार पानी दिया जाएगा तो ऐसे इसके लेवल में ये भी आ जाएगी। तो हमारे यहाँ आलू की खेती जो है 10 से 15 दिन में मेरे हिसाब से आलू हो जाएगी। घर की जो आलू होती है उसकी बात ही अलग होती है। तो बस सुबह का टाइम था, मायके आए हैं तो हमने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा दे खेती बाड़ी क्या कुछ हो रहा है। और हमारे यहाँ खेत की सिंचाई हो चुकी है, यानी गेहूँ जो बोया जाता है उस पूरे खेत की सिंचाई हो चुकी है। आलू एकदम ऊपर आ गया है, सरसों भी थोड़ा बड़ी बड़ी हो गई हैं। पीछे आपको दिखा दें सरसों है, मटर चना जो भी बोया गया है, मैंने चने का साग भी खा लिया। वैसे एकादशी से पहले नहीं खाते हैं, लेकिन भैया मुझे मिला, मैंने खा लिया। भगवान जानते हैं गन्ना नहीं चूसेंगे, एक चीज़ छोड़ देंगे एकादशी के बाद, एकादशी के दिन ही जुठवन करेंगे। और हमारे लोगों के यहाँ ऐसा मान्यता है कि एकादशी से पहले जो है चना और गन्ना नया गुड़ नहीं यूज करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं प्यारा बैकग्राउंड ये बना हुआ है हमारा बाथरूम संडास जो बन रहा था, जो मैंने दिखाया था थोड़ा सा आप लोगों को, अभी बन के एकदम रेडी हो गया है। तो चलिए थोड़ा सा चलते हैं, टहल वहल लें, आप लोगों से बात भी कर लें इसी बहाने। तो भैया हमारे यहाँ रहा मेला, और भाई हमारे जिद करे लागन तो हम कहे चला हम चलते भैया घूमे आते, और अभी ना आयन ये देखा गोबर उबर सब फेंका जाते हैं। अभी ना आया मतलब लड़का मेरा नहीं आया बेटा, और बेटी को लेके आए हैं साथ में, आज जाएंगे घर। सुबह 6 बज रहे हैं सुबह के, और आपको दिखा दिए ये सब घेरे बने हुए हैं ताकि जानवर ना खाने पाए। हमारे यहाँ खेती की जो भी है सुरक्षा होती है, ऐसा नहीं है। चल थोड़ा बैक कैमरा दिखा देते हैं आप लोग को। ये बड़े पापा का घर दिख रहा है, हमारे बड़े पिताजी का संडास बाथरूम बाहर बना हुआ है, जो पुराना घर था। ये बीच में जो पीला कलर दिख रहा है वो है, और जो सफ़ेद दिख रहा है वो है। अंदर से आप लोगों ने देखा होगा बाहर से, क्योंकि यूपी ब्लॉग और आराध्या भी दिखाती रहती है वीडियो, साइन विथ बंधु भी, और प्रियादीप मेरी भतीजी जो है वो तो आती जाती रहती है, वो भी वीडियो दिखाती है। तो अंदर की क्या बात करें, बाहर से दिखा रहे हैं आप लोग को। और ये है हमारे यहाँ आलू जो मैंने अभी आप लोग को दिखाया, ये है सरसों, वहाँ आप लोग देख सकते हैं लहसुन बोया गया है। लहसुन सरसों आलू चना सब कुछ है इस समय हमारे यहाँ खेती में, और बढ़िया से एकदम हरियाली छाई हुई है। बहुत सुहाना मौसम है, और घेरे में है ताकि सारी चीज़ अच्छी लगे। कोहरा पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं एकदम कोहरा है। और ये नहीं कि मेरी ही खेती है, आप लोग आस पड़ोस में भी देख सकते हैं, पूरा एकदम बढ़िया से खेती किसानी है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं कि बस हमारा ही है, तो हमारा नहीं सबका है। ये जो झलक रहे हैं कोहरे की वजह से नहीं दिख रहे हैं, मेरे बाबा जी लगते हैं कितने बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन सुबह के 6:30 बजे खेत में काम कर रहे हैं। और कई कई लोगों को लगता है कि मैं ही पूरी दुनिया सिर पे उठा के चलता हूँ, बाकी कोई कुछ नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है। लोग सभी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और काम भी करते हैं। देखिए सूरज की लाली कितनी प्यारी लग रही है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में ना, आप लोग बोलेंगे कि बोर कर रही हैं इसी सब में। यहाँ पर चना बहुत प्यारा है खेत में, आप देख लीजिए। और ये है उनका घर जो कि आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। और बगल में ये खेती इतनी दूर पे लगे हुए हैं बाबा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ब्लॉग मैंने कल शुरू किया था कल की सुबह में अपने मायके से, इसको मैं एंड कर रही हूँ ससुराल में। मैं आ गई हूँ अपने घर, रुक नहीं पाए, बस एक ही दिन गए थे, जिस दिन गए दूसरे दिन आना हो गया। तो मैं जो है लेके आई हूँ बथुआ, जो कि विटामिन और आयरन से भरपूर है, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अगर आप इसे ठंड में 2 से 3 महीने, जब तक मतलब आपकी खेती में ये चीज़ मिलती है, अगर आप इसे खाते हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत सही रहता है। इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही रहता है, खून बढ़ाने में ये चीज़ मदद करता है। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से इसको खेत में जो है बोया नहीं जाता ये चीज़, लेकिन इस सीज़न में जब हमारे यहाँ आलू लगाई जाती है, सरसों और गेहूँ की बुआई होती है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये चीज़
उपज इसकी होती है और लोग इसको जो है खाते भी हैं, और जब बड़ा हो जाता है इसको अपने जानवरों को भी निकाल के खिलाते हैं चारा मिला करके। बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। इसका मैं बनाने जा रहा हूँ सगपहिता बथुआ का। मैंने सोचा ब्लॉग का भी कर दें, आप लोग जानना चाहते हैं देखना चाहते हैं इसके लिए दिखा देते हैं। इसमें मैंने डालने के लिए लिया हुआ है उड़द की दाल। अगर आपके पास है उड़द की दाल तो पूरा उड़द की दाल में ही बनाइए, नहीं है तो थोड़ी सी अरहर या मटर की दाल मिक्स कर सकते हैं। मैंने अरहर की दाल थोड़ी सी मिक्स कर ली है। देख लीजिए सफाई से इसको काटा है बढ़िया से। मैं खुद इसको खेत से निकाल के लेके आई हूँ। मेरे यहाँ ससुराल में इसकी उपज कम मिलती है, बहुत ही कम, एकदम जब गेहूँ वगैरह हो जाता थोड़ा बहुत आता है, लेकिन मायके में बहुत ज़्यादा और अच्छा भी लगता है और फायदेमंद भी है। इसको मैंने काट लिया है, एकदम बारीक से कटा हुआ है। अब धो लेंगे इसको बढ़िया से, साग को और दाल को। फिर साग बनाने के लिए भी रखा है जिसमें सरसों है जो कि छोटी छोटी पत्ती अभी उग रही थी, और ये बथुआ है तो इसका साग भी अलग से बनाएंगे और दाल भी बना रहे हैं। चलिए रेसिपी तैयार करके आप लोगों को दिखाएंगे, बने रहना। दोस्तों फेस दिखाने की ज़रूरत हमें नहीं है क्योंकि आप लोग हमें डेली वीडियो में देखते हैं, संगीत की वीडियो में देखते हैं, इसलिए मैं रेसिपी दिखा रही हूँ आप लोग को देख सकते हैं। यहाँ पर 3 पानी से इसे धुलना है क्योंकि खेत में रहता है तो मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी रहती है, आप देख सकते हैं। इतने पानी से मैंने इस बथुआ को धुल लिया है, साग को अच्छे से। इसके बाद दाल को धुल के रख दिया, इसमें नमक ऐड कर दिया अपने स्वाद के अनुसार, और खटाई डाले हुए हैं आम की, थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल डालेंगे 2 से 4 बूंद 5 बूंद जो भी, ताकि पानी इसका बाहर ना आए। दाल आप कभी भी बनाते हैं तो सरसों का तेल 2 बूंद डाल ही देना चाहिए। इसको धुल के रख लिए, सारी चीज़ों को ऐड करके रख देते हैं गैस पर। रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी, पूरा दिखाएंगे, छोड़ के वीडियो को मत जाइएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज। हमारी दाल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुकी है, और आपको दिखा दें यहाँ पर मैंने हींग जो है इस दाल वाले पानी में थोड़ा सा ले लिया घुलने के लिए। वैसे आप तेल में भी भून करके डाल सकते हैं, लेकिन कच्ची हींग दाल में मिलाने से स्वाद उसका बहुत बेहतर आता है। इसके लिए दाल के जो गर्म पानी होते हैं उसी में हींग को घोल दिया जाता है। यहाँ पर आप देखिए बहुत अच्छी तरीके से दाल जो है हमारी एकदम गाढ़ी बढ़िया बन के तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई है। पर यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो चुका है, थोड़ी सी आवाज़ ऊपर से आएगी क्योंकि हमारे यहाँ रामायण हो रहा है, हमारे मतलब बगल में ही हो रहा है। यहाँ पर लहसुन को ढेर सारा लहसुन काटा हुआ है, लाल मिर्ची ली हुई है, तेल जो है वो तैयार है। आप जीरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं पर मैं जीरा ऐड नहीं करूँगी। ये रहा हमारा तड़का जो कि बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर का पक चुका है, लाल मिर्च है इसलिए इसको थोड़ी देर बाद डालते हैं, नहीं तो ये जल जाएगी। आप देख सकते हैं लाल मिर्च है, बस बढ़िया तड़का हमारा हो गया है। अब हम इसमें जो है ऐड कर देंगे दाल को। यहाँ पर दाल मैंने थोड़ी सी निकाल ली हुई है, अगर आप सारी दाल एक साथ में डालते हैं तो इसका स्वाद जो है निकल जाएगा, ढकने में आसानी नहीं होगी। थोड़ी सी दाल डाल देते हैं, उसके बाद इसे ढक देते हैं, फिर पूरी दाल इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने इसको तुरंत ढक दिया है। अब कम से कम इसको मैं 2 से 3 मिनट के बाद इसमें यहाँ पर पूरी दाल जो है उसे ऐड कर दूँगी। तो मेरी दाल तैयार हो चुकी है, इसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। चावल यहाँ पर रखा हुआ है साफ़ करने के लिए, साग को मैंने काट के रख लिया है। सुबह वीडियो का एंड नहीं कर पाए थे जब मैंने बनाया था बथुआ का सगपहिता, अभी मैं बना रही हूँ बथुआ और जो सरसों की पत्ती होती है उसका साग जो कि मैंने सुबह में ही उबाल के रख लिया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने लहसुन और मिर्ची का तड़का दिया हुआ है, सरसों को तेल में नमक ऐड करके सब कुछ इसको भून दिया। मैंने सोचा ब्लॉग को एंड कर देते, नहीं तो मैं भूल जाती, कई बार वैसे ही मुझे एडिट करके डाल देना पड़ता। तो यहाँ पर बैगन 2 ठे उबाले नहीं हैं, गैस पर भुने हैं, देख लीजिए थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के इसको भूनिए। 2 टमाटर है, थोड़ा सा लहसुन है, बस यही बनाएंगे, आलू इसमें नहीं डालना है हमको। तो शाम के खाने में ये सब बना रहे हैं, रोटी बनाएंगे। आशा करते हैं आप लोग को हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।